की जिंदगी का टोटल स्पैन 70-80 साल होता है। बकौल जॉन एलिया के कि हम बेहतरीन, अमीर तरीन, खूबसूरत तरीन और जहीन तरीन होने के बावजूद हमारा अलमिया यह है कि हम एक दिन मर जाएंगे। हमें यह सोचना चाहिए कि हम तमाम दुनिया की नफ़रतें एक दूसरे के साथ इसी दुनिया में छोड़ के जाएंगे, और जो हम जिस औलाद के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं वो औलाद हमें थोड़े दिन बाद दीवार पे लटकाएगी, उसकी औलाद हमें स्टोर में रख देगी, और जब चौथी नस्ल आएगी तो हम गार्बेज कर दिए जाएंगे। हमारी दुनिया में इतनी ही हकीकत है और इतनी ही हैसियत है। मैं दावे से कहता हूँ कि इस महफिल में बैठे हुए 10% लोगों को भी अपने दादा की शक्ल या परदादा का नाम याद नहीं होगा। यही कुछ हमारे साथ भी होगा। हम लाख दुनिया में फन्ने खान बने रहे, हम लाख दुनिया में ये कहते रहे कि वो आगे क्यों बढ़ गया, वो पीछे क्यों हट गया, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान पे इतने एहसानात किए हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा उसका एहसान ये है कि उसने तीन चीज़ें अपने पास रखी हैं। वो चीज़ें ये हैं कि मैं जिसे चाहे इज्जत दूँ, जिसे चाहे जिल्लत दूँ, मैं जिसे चाहे ज़िंदगी दूँ, जिसे चाहे मौत दूँ, और मैं जिसे चाहे रिस्क दूँ और जिसे चाहे मुफलिसी दूँ। अब आप सोचें कि अगर इज्जत देना मेरे जैसे किसी छिछोरे आदमी के हाथ में होता तो इज्जतदार सिर्फ मैं होता और आप सबकी बेइज्जती होती। अगर रिस्क देना मेरे जैसे किसी आदमी के हाथ में होता तो मेरे गोदाम भरे होते और आप सब भूख से मर रहे होते। अगर इसी तरह जिंदगी या मौत मेरे हाथ में होती तो सिर्फ दुनिया की आबादी एक शख्स की होती, क्योंकि मैं सबको मौत से हमकनार कर देता। इस राज को समझने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत और नफ़रत के बुनियादी फ़र्क को समझिए। बहुत बाल बराबर फ़र्क है। मोहब्बत के लिए कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है और नफ़रत अंधा कर देती है। मोहब्बत चूँकि पैदाइशी तौर पर अंधी होती है, लिहाजा वो जीने का हुनर जानती है, और नफ़रत के सफ़र में आप आधे वक्त बीना होते हैं और बाकी वक्त नाबीना होते हैं। तो उन्हीं शाहराहों पर जिस पर आप मोहब्बत का हाथ पकड़े दीवानावार चले जाते हैं, नफ़रत की आग में जलने लगते हैं और अपनी ही लगाई हुई आग में भस्म हो जाते हैं। तो नफ़रत का कोई स्कोप नहीं है। आइंदा आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें ये याद नहीं रखेंगी कि आपने कितने लोगों से नफ़रत की, लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों से मोहब्बत की। लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों का रास्ता रोका, लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों का रास्ता बनाया। लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आप कितना पढ़ गए, लेकिन लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितने लोगों को पढ़वा दिया। ये वो फ्रेंड्स, माय नेम इज सबीर अंसारी, यूट्यूब ब्लॉगर, वन मोर न्यू थॉट्स, एक और नई सोच।